हिमाचल होमगार्ड तथा फायर सर्विस के संयुक्त तत्वाधान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में उपायुक्त कार्यालय परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में आग लगने पर सर्वप्रथम अपना बचाव कैसे किया जाए तथा उपरांत बबल में फंसे लोगों को सुरक्षित कैसे निकाला जाए, इस पर होमगार्ड और फायर सर्विस के कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीढ़ियों व रस्सियों की सहायता से बबल में फंसे घायल व्यक्तियों को बाहर निकाला व उन्हें प्रथम उपचार के उपरांत नजदीकी अस्पताल में भेजा गया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त सिद्धार्थ आचार्य ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान नुकसान को कम करने के लिए जन जागरूकता अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जागरूकता एवं क्षमता निर्माण अभियान समर्थ 2019 11 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बेहतरीन प्रबंधन और पूर्ण तैयारियों के साथ आपदा के दौरान होने वाले नुकसान को कम करना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान आम जनमानस को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां व कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में मॉक ड्रिल व अन्य गतिविधियों के माध्यम से आपदा प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षण देकर जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर आमजन को जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक दलों द्वारा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी जागरूक किया जाएगा। उन्होंने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान टोल फ्री नंबर 1077 पर डायल करके सूचना दे सकते हैं। इस अवसर पर DRO देवीराम, PO DRDA संजीत सिंह, DSP संजय शर्मा के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। मंडी जिला प्रशासन ने अग्निशमन विभाग के सहयोग से सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य लोगों को अग्नि सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल की। DC ऑफिस में हुई इस मॉक ड्रिल में लोगों को आग लगने पर राहत व बचाव के तरीके बताए गए। इस मौके पर उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि ये मॉक ड्रिल अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अन्य लोगों को अग्नि सुरक्षा को लेकर जागरूक करने के लिए कराई गई है। समर्थ 2019 अभियान के तहत आयोजित इस मॉक ड्रिल के जरिए व्यवहारिक रूप से आग लगने पर खुद को बचाते हुए आग काबू पाने के तरीके क्या क्या है, इसको लेकर जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल से अग्नि से सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता आएगी। उपायुक्त ने कहा कि भवन में आग लगने की स्थिति में लिफ्ट का प्रयोग न करें, खुद को सुरक्षित करते हुए सीढ़ियों से भवन से बाहर आएं, शौचालय में ना छुपें और ना ही छत की तरफ भागें। यदि कमरे में धुआं भर गया हो तो नाक पर रुमाल रखकर जमीन पर लेट जाएं, हो सके तो रुमाल को गीला करके मुंह पर रखें। रेंग कर चलें क्योंकि धुआं ऊपर की ओर उठता है, इसलिए फर्श की सतह में धुआं भरने में अधिक समय लगता है। ऋग्वेद ठाकुर ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों से आग्रह किया कि सर्दियों के दौरान कार्यालयों में हीटर का प्रयोग करते हुए सावधानी बरतें। ऑफिस से जाते हुए तय करें कि हीटर बंद हो। इस मौके पर फायर अधिकारी KS ठाकुर ने आग लगने पर राहत व बचाव के तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने मॉक ड्रिल में DC ऑफिस में लगे अग्निशमन यंत्रों को चलाने और आग बुझाने की विधि के बारे में विस्तार से बताया। उपायुक्त ने कहा कि यह अभ्यास एक काल्पनिक घटना को आधार बनाकर कर किया गया है। इस घटना के अनुरूप DC ऑफिस भवन में प्रातः लगभग 11 बजे आग लग गई, जिसे लेकर DC ऑफिस से आपातकालीन हुटर बजाया गया। इसके सुनते ही प्रशासनिक अमला पूरी तरह हरकत में आ गया। हुटर बजते ही कार्यालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी व अन्य लोग खुद को सुरक्षित करते हुए मुंह पर रुमाल रखकर भवन से बाहर कर निकल आए। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के साथ ही कार्यकारी SDM संजय कुमार ने बाहर एकत्रित लोगों को घटना के बारे में बताया गया। फायर अधिकारी KS ठाकुर की अगुवाई में आई फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाते हुए पूरी बिल्डिंग खंगाली और इसमें फंसे 13 लोगों को बचाया। इस मौके पर IAS प्रोफेशनल अजय यादव, कार्यकारी SDM एवं सहायक आयुक्त संजय कुमार, जिला राजस्व अधिकारी राजीव संख्यान सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व ऑफिस आए अन्य लोग मौजूद रहे। सोलन में अंतर्राष्ट्रीय शोतोकन कराटे फेडरेशन द्वारा 2 दिवसीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर भारत स्तर की इस प्रतियोगिता में
सात राज्यों के कराटे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। ये प्रतियोगिता सोलन के नगर परिषद हॉल में 12 से 13 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय शोतोकन कराटे फेडरेशन के चीफ इब्राहिम शिहान इब्राहिम का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर हिमाचल शोतोकन कराटे फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिज मोहन ने बताया कि हिमाचल में पहली बार उत्तर भारत स्तर पर कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड के 250 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी विजयी रहेंगे उन्हें चेन्नई में होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस खेल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को शारीरिक रूप से फिट रखना है और जब वे शारीरिक रूप से फिट होंगे तो वे नशे से भी दूर रहेंगे।